ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सहायता योजना के लिए आवेदन आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट किया गया है, क्योंकि पहले और आज में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है, तो आज हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों को करना क्या, सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे चुका हूं, तो सिंपल लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देख सकते हैं, नंबर वन यहाँ से आप बैच होल्डर है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में परमिट होल्डर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप बैच होल्डर है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले जो था ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, PSP बैच नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार कार्ड नंबर, यही सिर्फ जरूरी था। लेकिन अब जो है बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड और ऐड कर दिया गया है। इसके बाद फोटो ऑफ ब्लैंक चेक ऑफ बैंक अकाउंट, इसके बाद फोटो ऑफ आधार कार्ड टू साइड, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे यदि बैच होल्डर है तो ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको लेकर रख लेना है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, चेक बुक नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद यदि आप परमिट होल्डर है तो आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, इसके बाद परमिट नंबर चाहिए, इसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, इसके बाद फोटो ऑफ ब्लैंक चेक ऑफ बैंक अकाउंट, के बाद फोटो ऑफ आधार कार्ड टू साइड। तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तभी आप लोग आवेदन करना चाह रहे हैं। और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी सबमिट नहीं हो रहा है, तो इस साइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है कुछ टाइम के लिए, इसके बाद आप फिर से दोबारा अप्लाई करके देखिए, आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।